नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। मैं ज्ञान प्रकाश। देखिए, करंट अफेयर्स के बारे में हमेशा ही ये भ्रम अभ्यर्थियों में बना रहता है कि कितने समय पूर्व तक का करंट उपयोगी होगा। मेरी समझ से पहले यह परीक्षा मई में प्रस्तावित थी, तो हो सकता है कि पेपर शायद बन भी गया हो, और अगर न भी बना हो तो भी पिछले 8-9 महीने के करंट बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। कभी कभी तो परीक्षा की तिथि से 15 दिन पूर्व तक के करंट भी पूछे गए हैं। इसीलिए मैं समझ रहा हूँ कि पिछले नवंबर से लेके और 10 सितंबर तक का करंट अभ्यर्थियों को देख लेना चाहिए। इस वीडियो में मैंने जनवरी 2017 के प्रतियोगिता दर्पण के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं आर्थिक घटनाओं का एक विश्लेषण तैयार किया है। उम्मीद है यह अभ्यर्थियों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। और फ्रेंड्स, एक बात और, अगर मेरा प्रयास आपको सार्थक लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं की मुझे कमेंट बॉक्स में प्रतीक्षा रहती है। इस वीडियो का पीडीएफ भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक के माध्यम से अवेलेबल करा दूंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, इस बार हम लोग जनवरी 2017 के प्रतियोगिता दर्पण के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम, आप एक सेक्शन होता है उसमें, पहला सेक्शन, ये आपको पता ही है। तो उसमें सबसे पहले भारत का 47वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के बारे में बात करते हैं। ये समारोह इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के नाम से गोवा में इस बार संपन्न हुआ है, और 20 से 28 नवंबर 2016 को यह आयोजन निर्धारित किया गया था। गोवा में लगातार यह 13वां वर्ष है। पहली बार जो 2004 में हुआ, तब से गोवा को ही इस फेस्टिवल का अस्थायी रूप से आयोजन स्थल बना दिया गया है। इस बार आयोजन में ESP बाला सुब्रमण्यम को भारतीय सिने व्यक्तित्व का शताब्दी पुरस्कार भी दिया गया, ये इम्पोर्टेंट है। पोलैंड की एक फिल्म थी, नाम था आफ्टर इमेज, वो इसकी उद्घाटन फिल्म बनी। कोरिया को फोकस नेशन ऑफ द फेस्टिवल जो है ये घोषित किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण मयूर पुरस्कार जो है वो डाटर, एक ईरानी मूवी है जिसके निर्देशक थे रेजा मीर करीमी, इसको मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक थे बारिश काया और सोनर केनर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फरहद असलानी डाटर के लिए, और अभिनेत्री एलिना वास्का, ये लातवियन एक मूवी थी मैलो मड, उसके लिए। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन जो है आपको अगले पेज पे अवेलेबल हो जाएगा, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। पीडीएफ में आप इसको ठीक से देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन बीपीएल परिवारों को जारी कर दिए गए हैं। इसकी शुरुआत मई 2016 में की गई थी और नवम्बर 2016 तक, मतलब मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवम्बर, इतने ही समय में 1 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन जो है वो बीपीएल परिवारों को बांट दिए गए। सबसे ज्यादा कनेक्शन उत्तर प्रदेश में बांटे गए, फिर मध्य प्रदेश में, फिर राजस्थान में, फिर बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल में। उत्तर प्रदेश में इस तरीके से 34.55 लाख गैस कनेक्शन बांटे गए। देखिए, अगली रिपोर्ट है कि 5 से 19 आयु वर्ग की जनसंख्या में विकलांगों की संख्या व शैक्षणिक संस्थानों में उनकी उपस्थिति के संबंध में 2011 की जनगणना संबंधी आंकड़े महारजिस्ट्रार व जनगणना आयुक्त द्वारा 31 अक्टूबर 2016 को जारी किए गए। इसके अनुसार देख लीजिए एक बार, 5 से 19 आयु वर्ग में विकलांग कितने हैं, 65.7 लाख। 2001 में यह आंकड़ा था 65.3 लाख का, तो ज्यादा अंतर नहीं आया है। शिक्षण संस्था में जाने वाले हैं 65.7 लाख में से 40.2 लाख ये शिक्षण संस्थानों में जाते हैं। 2001 में 33 लाख ही जाते थे, तो थोड़ी सी वृद्धि हुई है। 40.2 लाख जो शिक्षण संस्थानों में जाते हैं, ये 65.7 लाख का 61.2% है, मतलब कि 61.2% लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और शिक्षा ग्रहण करने वालों में 22.8 लाख पुरुष हैं, लगभग 56.7%, और 17.4 लाख स्त्रियां हैं, मतलब कि 43.3%। शिक्षण संस्था में जाने वाले विकलांगों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि हुई है 11% 2001 की तुलना में। आगे देखते हैं,
भारत का दूसरा राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव जयपुर में संपन्न हुआ। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया सी एफ एस आई चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के तत्वावधान में 14 से 16 नवंबर 2016 को यह संपन्न हुआ जयपुर में। पहला आयोजन, ये दूसरा आयोजन था, पहला आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। कब हुआ था? 14 से 16 नवंबर, याद रखने में सुविधा होगी आपको। 14 नवंबर जो होता है बाल दिवस होता है, पंडित नेहरू का जन्मदिवस, उसी दिन से राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का शुभारंभ होता है। इस वर्ष का थीम था मेक इन इंडिया। सी एफ एस आई चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव गोल्डन एलिफेंट, इस बार गोल्डन एलिफेंट के नाम से दो वर्ष के अंतराल पर हैदराबाद में, ये अस्थाई आयोजन स्थल है, हैदराबाद में आयोजित किया जाता है। पिछला जो 19वां अंतर्राष्ट्रीय बाल, देखिए राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव जल्दी शुरू किया गया, यह दूसरा ही आयोजन था। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 19वां आयोजन जो है 2015 में हैदराबाद में हुआ था 14 से 20 नवंबर, और 20वां जो आयोजन होगा वो 2017 में होगा। कहाँ होगा इसके बारे में आप लोग गूगल करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। 31 अक्टूबर 2016 को भोपाल के केंद्रीय कारागार से एक सुरक्षाकर्मी को मारकर 8 कैदी फरार हो गए थे, यह भी एक प्रमुख घटना में रही ये खबर, जिसमें सभी सिमी के आतंकवादी बताए गए और उनको बाद में पुलिस ने मार गिराया। अगली है खबर कि 27 नवंबर 2016 को पंजाब के नाभा जेल पर आक्रमण करके हथियारबंद हमलावरों ने आक्रमण किया और 6 खूंखार कैदियों को वहां से छुड़ा लिया था। इसमें खालिस्तानी आतंकी हरमिंदर सिंह मिंटू भी शामिल रहा और कश्मीर सिंह भी इसमें शामिल था। हरमिंदर सिंह मिंटू को बाद में गाजियाबाद से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। नेक्स्ट, जवाहर नवोदय विद्यालय सहित सभी 62 जिलों में जवाहर नवोदय विद्यालय रहित, मैं गलत बोला सॉरी, रहित सभी 62 जिले ऐसे हैं जिसमें जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है, तो उसमें जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की योजना प्रधानमंत्री की है सरकार की। इसके लिए 2871 करोड़ रुपए जो है वो मंजूर कर लिए गए हैं, और एक कमेटी है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडली समिति, जिसको CCEA भी कहते हैं, ने 23 नवंबर को मंजूर कर लिया है। यह राशि 2017-18 से लेकर 2024-25 तक के लिए है, मतलब कि आयोजन जो होगा, योजना 2017-18 शुरू होगी और सभी 62 जिलों में 2024-25 तक जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना कर दी जाएगी। सिक्किम और हिमाचल, सिक्किम पहले स्थान पर, हिमाचल दूसरे स्थान पर के बाद केरल तीसरे स्थान पर, खुले में शौच से मुक्त, ODF ओपन डेफिकेशन फ्री, देश का तीसरा राज्य जो है घोषित हो गया है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में रखिएगा। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पे। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में आपको ज्यादा कुछ नहीं जानना है, देखिए मतलब तब के परिप्रेक्ष्य में, अब तो बहुत कुछ है। रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए, ये तब की घटना है। इनका शपथ ग्रहण समारोह कब था? 20 जनवरी। एक्चुअली अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार वहां पर शपथ ग्रहण समारोह 20 जनवरी को ही होता है, ठीक है, और अमेरिकी राष्ट्रपति के क्रम में ये 45वें व्यक्ति हैं, और संविधान लागू होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का ये 58वां चुनाव था। भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नेपाल की यात्रा 2 से 4 नवंबर 2016 को की, ये इनकी त्रिदिवसीय यात्रा थी, उन्होंने 3 दिन की यात्रा संपन्न की। 18 वर्ष के पश्चात किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली नेपाल यात्रा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके पहले अगस्त नवंबर 2014 में नेपाल जा चुके थे। नेपाल का राष्ट्रीय भवन जो होता है उसका नाम है शीतल भवन, इसी में जो है राष्ट्रपति जो है वहाँ की विद्या देवी भंडारी, उन्होंने राष्ट्रपति का स्वागत किया था, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का। काठमांडू विश्वविद्यालय ने उनकी उनके प्रवास के अंतिम दिन उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। देखिए 1950 में एक संधि हुई थी भारत और नेपाल के बीच, भारत नेपाल शांति एवं मैत्री संधि, जिसके अंतर्गत भारत हमेशा ही
नेपाल की मदद करने को तत्पर रहता है। अभी पिछली साल जब वहाँ पर भूकंप आया था तो 6 घंटे के अंदर अंदर भारतीय सेवा दल वहाँ पर तुरंत पहुँच गया था। लेकिन वर्तमान में जब से वहाँ इंडिया का सिचुएशन लागू हुआ है, सॉरी नेपाल का नया संविधान, तब से जो है भारतीय संबंधों में और भारत और नेपाल के संबंधों में कुछ खटास भी आ गई है। देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा जो है 11वीं शिखर वार्ता के लिए उन्होंने की, कब की, नवंबर 2016 में 3 दिन की यात्रा थी उनकी। भारत और जापान के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन की शुरुआत जो है 2006 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की थी। 10 समझौते हुए भारत और जापान के बीच में, उसमें परमाणु ऊर्जा समझौता सबसे अहम रहा। जापान के सहयोग से मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल चलाने की भी योजना बनाई जा रही है, जिसकी शुरुआत जो है कब की जाएगी, 2018 में, और रेल सेवा की शुरुआत 2023 में की जाएगी। इजराइल के राष्ट्रपति रेवन रेवेलिन की भारत यात्रा 14 से 21 नवंबर 2016 को हुई। इजराइल के किसी राष्ट्रपति की ये 20 वर्ष बाद पहली यात्रा थी। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने भी इजराइल की यात्रा की और इजराइल से भारत के बीच कई सारे जो है सुरक्षा संबंधी और व्यापार संबंधी जो है वो समझौते भी हुए। और इजराइल ने मोदी के सम्मान में वहाँ पर एक फ्लावर है, उसका नाम उन्होंने मोदी फ्लावर रख दिया। यह एक लिली की एक प्रजाति है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थेरेसा की भारत यात्रा 6 से 8 नवंबर 2016 को हुई। सिर्फ इतना ही याद रखना पर्याप्त होगा। फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ टोबैको कंट्रोल, जिसका उद्देश्य क्या है, तंबाकू से होने वाली हानि के बारे में लोगों को जागरूक करना। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में COP7 के नाम से नोएडा में आयोजित किया गया। ये 7वां सत्र था। इसमें यूरोपियन यूनियन और 180 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। अगला COP8 का आयोजन जो है वो स्विट्जरलैंड में किया जाएगा। अध्यक्षता करेंगे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के सचिव भारत सरकार के। तो ये इम्पोर्टेंट है कि COP8 का आयोजन, अगला आयोजन कहाँ पर होगा, तो स्विट्जरलैंड में होगा। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव। देखिए, ICT इंडेक्स में भारत का 138वां स्थान आया है, वो मतलब कि इस बार है 2016 में, नवंबर 2016 की रिपोर्ट में। ICT इंडेक्स की गणना कौन करता है, संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जिसको ITU के नाम से शॉर्ट फॉर्म में बुलाते हैं, द्वारा प्रति वर्ष की जाती है। नवंबर 2016 में 175 देश शामिल किए गए, जिसमें इंडिया को मिला है 138वां स्थान। 2015 में इसका स्थान 135वां था। तो इसमें जो है शीर्ष 5 देश इस प्रकार थे। पहले नंबर पर दक्षिण कोरिया, फिर आइसलैंड, फिर डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और UK। नेक्स्ट, श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना की भारत यात्रा 6 से 7 नवंबर को हुई। ये नोएडा में होने वाले COP7 की मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए थे, आयोजन को। अब आते हैं आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य पे। विपणन वर्ष का अर्थ होता है व्यापार वर्ष 2016-2017-18 के लिए रबी उपजों के नए समर्थन मूल्य जो है वो घोषित किए गए। कब घोषित किए गए, 15 नवंबर 2016 को। 2016-17 का विपणन वर्ष जो है वो फसल वर्ष 2016-17 के लिए था, कि रबी उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा केंद्र सरकार ने 15 नवंबर 2016 को कर दी। कृषिगत लागत एवं मूल्य आयोग CACP, यह एक विशेषज्ञ संस्था है और इसके जो मतलब होते हैं सलाह जो होती है वो बाध्यकारी नहीं होती है, लेकिन इसी की संस्तुतियों के आधार पर इन उपजों के नए समर्थन मूल्य के संबंध में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति CCEA, इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, द्वारा लिया जाता है। तो गेहूं और जौ के समर्थन मूल्य में 100-100 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि कर दी गई है। चना में 500 रुपये, मसूर में 550 रुपये, सरसों में 350 रुपये, सनफ्लावर में 400 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है।
इन समर्थन मूल्यों की घोषणा के साथ ही वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना कर देने का सरकार का भी लक्ष्य है, प्रदेश सरकार दृढ़ संकल्पित है। एक जो है तुलनात्मक टेबल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, देखिए ये है विभिन्न वर्षों में रबी उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, बोनस सहित और तुलनात्मक स्थिति क्या रही, ये आप देख सकते हैं। मुख्य रूप से हमें इस पे ध्यान देना है, हमें जो है ध्यान देना है 2015-16 और 16-17 पर। तो गेहूं का समर्थन मूल्य जो था वो 2015-16 में 1525 था, 1625 हो गया 2016-17 में। चना के बारे में आप जाने 3500 था, 4000 हो गया। 2015-16 में जौ का समर्थन मूल्य कितना था प्रति क्विंटल 1225, उसे बढ़ाकर 16-17 में कर दिया गया 1325। बाकी ये आपको पीडीएफ में अवेलेबल होगा, आप इसका अध्ययन ठीक से करिएगा। स्टडी करते हैं आगे की। देखिए 2016-17 के पूर्वार्ध में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से केंद्र सरकार के कर राजस्व संग्रह में वृद्धि हुई। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये पुराना आंकड़ा है, नए आंकड़े ही अक्सर पूछे जाते हैं। इतना जान लेना पर्याप्त होगा कि ये आंकड़े अप्रैल 2016 से अक्टूबर 2016 के दौरान के हैं। उस समय डायरेक्ट इनकम टैक्स से 3.77 लाख करोड़ तथा इनडायरेक्ट टैक्स से 4.85 लाख करोड़ का निवल राजस्व सरकार को प्राप्त हुआ था, टोटल इनकम। और यह पूर्व वर्ष से क्रमशः 10.6% और 26.7% अधिक था। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना रही है गोल्ड बॉन्ड स्कीम और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, सरकार ने इसको शुरू कर दिया है। इसका उद्देश्य था कि स्वर्ण की घरेलू मांग की पूर्ति के लिए। असल में होता यह है कि भारत में जो है सोने के प्रति लोगों का प्रेम बहुत ज्यादा रहता है, तो सोना खरीद कर लोग रख लेते हैं और बाद में दाम बढ़ने पर उसको बेचते हैं लाभ के लिए। और वैसे भी जो भारतीय महिलाएं हैं वो सोने की प्रेमी होती हैं। तो इस बार जो है क्या है, इस सोने की घरेलू मांग, अच्छा इसके लिए सरकार को जो है सोना इंपोर्ट करना पड़ता है, तो वही स्वर्ण की घरेलू मांग की पूर्ति के लिए आयात पर निर्भरता कम करने के लिए स्वर्ण मौद्रीकरण योजना, गोल्डन मोनेटाइजेशन स्कीम, इसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं GMS, वह संप्रभु स्वर्ण बांड योजना, इसके लिए इसमें यह है कि बैंक एक बांड जारी करता है जो कि सोने के उस वक्त के मूल्य के बराबर होता है, और जैसे जैसे सोने के मूल्य में गिरावट या वृद्धि दर्ज की जाती है वैसे यह बांड भी घटता और बढ़ता रहता है। इसको सोवर्जियन गोल्ड बांड स्कीम भी कहा जाता है, SGBS शॉर्ट फॉर्म में, का शुभारंभ सरकार ने नवंबर 2015 में किया। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 14 नवंबर 2016 तक GMS गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत 5730 किलोग्राम सोना प्राप्त किया गया बैंकों के माध्यम से, जबकि SGBS सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत 14071 किलोग्राम स्वर्ण के लिए 4127 करोड़ की राशि सरकार को प्राप्त हुई है। डिमोनेटाइजेशन इस साल का सबसे चर्चित मुद्दा रहा। 500 रुपये 1000 रुपये के नोटों को बंद कर दिया गया ताकि जो है अर्थव्यवस्था में काले धन को बाहर किया जा सके और आतंकी फंडिंग के लिए जो पैसा प्रयोग होता है उसे रोका जा सके और नकली नोटों को भी जो है बाहर किया जा सके। इसके लिए 500 और 1000 पुराने नोटों को सरकार ने बंद कर दिया था और उसकी जगह 500 और 2000 के नए नोट जारी कर दिए गए थे। बंदी जो हुई थी वो 8 नवंबर की मध्य रात्रि को हुई थी। 2000 के नए करेंसी नोट 10 नवंबर को आ गए थे, 9 नवंबर को सारे बैंक बंद रखे गए थे। 500 के नए नोट जो है 13 नवंबर को मार्केट में आए थे, बैंक द्वारा मिले थे सबको। और पुराने नोटों के लिए निर्देश था कि 30 दिसंबर तक जमा किए जा सकते हैं बैंकों में और बदले में नए नोट आप ले सकते हैं। NRIs के लिए यह समय सीमा जो है 31 मार्च तक रखी गई थी। पुराना मुद्दा हो गया है, सवालों के आने की संभावना कम है, लेकिन जितना बताएं इतना इंपॉर्टेंट है। भारत में पहला पेमेंट बैंक जो है एयरटेल पेमेंट बैंक के नाम से खोला गया है। ये शुरू कब हुआ, 23 नवंबर 2016 को राजस्थान में। इसमें ब्याज दर वार्षिक है 7.25%, यह अन्य बैंकों से कहीं अधिक है। अन्य बैंकों में 4-6% वार्षिक ब्याज ही मिलता है। आपका मोबाइल नंबर या आपका खाता नंबर होगा, कोटक महिंद्रा की एयरटेल पेमेंट बैंक में हिस्सेदारी है 19.9%, इंपॉर्टेंट।
दिमाग में रखिए। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए दो तरह के छोटे बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों की स्थापना हेतु आवेदन पत्र भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी नवंबर 2014 से फरवरी 2015 के दौरान आमंत्रित किए थे। इसमें 11 आवेदकों को पेमेंट बैंक की स्थापना की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। अब कब दी गई? 19 अगस्त 2016 को। मुख्य रूप से एयरटेल, एम कॉमर्स, आदित्य बिरला नूबो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टेक महिंद्रा, वोडाफोन और भारतीय डाक विभाग भी इस पेमेंट बैंक को स्थापित करने में इनको भी मंजूरी मिली है। स्मॉल की कंडीशन क्या होती है? स्मॉल फाइनेंस बैंक और की तरह पेमेंट बैंक के लिए भी न्यूनतम पूंजी आवश्यकता कम से कम 100-100 करोड़ रुपए की पूंजी की गारंटी आपको लेनी पड़ती है। इसका उद्देश्य क्या है ये भी जान लीजिए। सीमांत श्रमिक, जो छोटे श्रमिक होते हैं, अल्प आय वालों, रेहड़ी खोमचा जो भी पर डे जो ककड़ी उकड़ी जो बेचते हैं, ठेला लगाते हैं, छोटे कारोबारियों तथा असंगठित क्षेत्र के अन्य लोगों के लिए लघु बचत खातों तथा भुगतान धन प्रेषण संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना। ऋण प्रदान करने की अनुमति पेमेंट बैंकों को नहीं होती है। भारत में पहला बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी के नाम से तमिलनाडु में एक निजी क्षेत्र के सिटी यूनियन बैंक ने पेश किया है। ये बहुत कमाल का रोबोट है। ये जितने भी लोग इसमें जाते हैं ना, जितने भी कस्टमर होते हैं, उनके सभी सवालों का जवाब बड़े आसानी से दे देता है। भाई नाम लक्ष्मी है तो हम स्त्रीलिंग का ही प्रयोग कर रहे हैं। तो इसी के देखा था कि एचडीएफसी बैंक भी अब एक रोबोट के लिए परीक्षणरत है। वैसे है तो आसान मेरी समझ से, क्योंकि कुछ फिक्स सवाल ही होते हैं 100-200 जो कि हमेशा जो है कस्टमर जो है पूछते हैं, और अगर हम उनके जवाब को किसी भी कंप्यूटर में डाल के एक रोबोट की तरह बना दें तो वो उसका जवाब दे सकता है। और नाम अगर लड़की का रखें तो दे सकती है। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। भारत का 36वां व्यापार मेला दिल्ली में संपन्न हुआ, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF 2016 के नाम से। यह फेयर जो 14 से 27 नवंबर 2016 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में संपन्न हुआ, इसमें 27 देश शामिल हुए। इस बार की थीम थी डिजिटल इंडिया, ठीक है, और फोकस देश रहा बेलारूस। देखिए इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी तो बहुत सारे बिंदु हैं लेकिन सारे बिंदुओं को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। अब आते हैं, देखिए देश में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में वृद्धि दर्ज की गई है। दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में पहला स्थान है और लगातार 15 वर्षों से स्थान बना हुआ है। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता, हर आदमी को 2013-14 में इतना दूध मिलता था 307 ग्राम दूध, और 2015-16 में अब मिल रहा है कितना, 340 ग्राम दूध। तो वृद्धि कितनी दर्ज की गई, 2013-14 की अपेक्षा 2015-16 में 5% की वृद्धि दर्ज की गई है। और 2014 के पूर्व जो थी दुग्ध उपलब्धता वृद्धि 3% की दर्ज की गई थी। हालांकि शहरों में तो कई सारे जो मतलब कि दुकानें हैं अमूल वगैरह के, कई सारे ब्रांड आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन गांव जो कि पहले कहा जाता था कि यहाँ पर दूध ही दूध और दूध दही की नदियाँ बहती थी, यहाँ के लोग अब दूध दही को तरस रहे हैं। इसका कारण यह है कि अब यहाँ पर पशुओं के पशुपालन तेजी से घट रहा है। फिर भी एक आंकड़ा है कि पूरे विश्व में जितनी भी भैंसें हैं उनकी 57% की आबादी भारत में है। तो जनवरी 2017 का प्रतियोगिता दर्पण मैंने आपके सामने पेश किया, इसका PDF आप लिंक में दिए गए डिस्कशन से डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगली श्रृंखला मैं जल्दी पेश करूंगा आपके सामने, मैं फरवरी से लेके जो सितंबर तक का करंट आपको उपलब्ध करा दूंगा इसी फॉर्मेट में और PDF के साथ, ठीक है। देखिए अगर जो है ये मेरा फेसबुक का पेज है, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इस फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिएगा, और ये मेरा ग्रुप है, इसको भी आप, इससे आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं और भी, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही आपकी क्या राय रही इस वीडियो के बारे में, आपकी प्रतिक्रियाओं को जानने के लिए मैं बहुत बेसब्र रहता हूँ। कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएँ अवश्य दर्ज करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।